हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया से जो जू स्पोर्स बने थे, जिन्हें माइटो जू स्पोर कहा था या न्यूट्रल स्पोर कहा था, उनका लिब्रेशन एंड जर्मिनेशन देखा था। कैसे देखा था? ये जो प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया थी, प्लूरिलोक्युलर का मतलब बहुकोष्ठी बीजाणुधानी, तो इस पर इस तरह से साइड में स्पोरेंजिया बनती है जिसमें पहले ट्रांसवर्स एंड देन पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, जिससे कि इस तरह से सिक्स सेल स्टेज बनेगी एंड देन इसके अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में गैमेट्स हर एक चैम्बर के अंदर रहता है, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है और कुछ कुछ साइटोप्लाज्म कंटेन करती है हर एक चैम्बर, जो कि बाद में मेटामॉर्फोसिस करके गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, गैमेट्स नहीं स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने प्लूरिलोक्युलर के अंदर पढ़ा था। अब लिब्रेशन की बात करें अगर, एंड जर्मिनेशन का जो हमने लास्ट में पढ़ा था, तो वो ये जो वॉल है इसकी टर्मिनल साइड या फिर टॉप वाला जो हिस्सा है, इसका जिलेटिनेशन होता है, गलना स्टार्ट करता है ये, और धीरे धीरे करके ये पूरा गल जाता है, जिससे कि जो माइटोजू स्पोर हैं, इसमें जो स्पोर बने हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ संसूत्र विभाजन हुआ इसलिए उनको माइटोजू स्पोर कहा जा रहा है, ये लिब्रेट हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। उसके बाद स्विम करते हैं एंड स्विम करते हुए किसी सूटेबल सबस्ट्रेट से अटैच हो जाते हैं एंड देन इनके जो फ्लैजिला हैं वो गायब हो जाते हैं, कुछ इस तरह से कंडीशन दिखेगी, एंड एक थिक वॉल डेवलप कर लेते हैं और रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। इसके बाद फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होते हैं, जर्म ट्यूब बनती है। यह जर्म ट्यूब इस तरह से डेवलप होती है, सारा जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है, न्यूक्लियस वगैरह, वो सारा यहाँ आ जाता है और यहाँ पे एक वॉल का फॉर्मेशन होता है सेप्टम का। एंड फिर इससे सबसे पहले प्रोस्टेट थैलस या सिस्टम, जो क्या होता है, राइजॉइड्स, कैसे, ये इस तरह से पहले राइजॉइड्स बनते हैं एंड देन ये राइजॉइड्स डेवलप होते हैं और इरेक्ट सिस्टम बनाते हैं। फिर इस प्रोसेस सिस्टम से इरेक्ट सिस्टम बनता है एरियल पार्ट। ब्रांचेस वगैरह एंड पूरा एक थैलस बन जाता है, मैच्योर थैलस बन जाता है। ये कैसा होगा मैच्योर थैलस, क्योंकि प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया डिप्लॉइड प्लांट पे बनी, इस वजह से जो जू स्पोर हैं उनमें भी सिर्फ समसूत्री विभाजन हुआ इसलिए वो भी डिप्लॉइड थे, जो थैलस बना वो भी डिप्लॉइड होता है। ये पॉइंट मैं आपको समझा चुकी थी, कल का हमने रिकॉल कर लिया, जो लास्ट क्लास का था वो रिकॉल कर लिया। अब मैंने आपको बताया क्या पॉइंट, कि जब यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनती हैं तो ये डिप्लॉइड थैलस पे बनती है। थैलस कैसा होता है, डिप्लॉइड।
इस पे बनती है। एंड इससे जो जूस स्पोर बनते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। इस वजह से जो थैलस बनता है इनसे वो भी होता है हैप्लॉइड। लेकिन ये हैप्लॉइड थैलस प्लूरीलोक्युलर की बात करें तो उसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये भी डिप्लॉइड थैलस पे ही बनेगा, 2N थैलस पे ही बनती है प्लूरीलोक्युलर भी। जूस स्पोर कैसा होता है? डिप्लॉइड। और जो थैलस बनता है वो हो जाता है यहाँ पे डिप्लॉइड। ये दोनों में फर्क था, ध्यान रखिएगा। अब आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो आपको एक्टोकार्पस के अंदर किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है? मेनली एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस किस तरह का होता है? जिसमें मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो लेकिन फिजियोलॉजी, इनकी कार्य की, डिफरेंट हो। फिजियोलॉजी का मतलब कार्य। फिजियोलॉजी कैसे? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब जो पॉजिटिव वाला है ये फीमेल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल वाले को, और नेगेटिव वाला मेल वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फीमेल वाला है, जो पॉजिटिव वाला है, ये कम एक्टिव होगा, लेस एक्टिव, यानी कि या तो अनमोटाइल हो सकता है या कम मूव करे, मूव लेस मोबाइल हो, मतलब उसका मूवमेंट कम हो। लेकिन ये फुल्ली एक्टिव होता है एंड मोटाइल होता है बहुत ज़्यादा। दोनों के पास फ्लैजिला दोनों के पास होता है। लेकिन हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी सिमिलर में आपको इनका शेप एंड स्ट्रक्चर दो पॉइंट पे ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन शेप की बात करें अगर, तो शेप मतलब इनका साइज ले लीजिए, यहाँ पे शेप की जगह आप साइज ले लीजिए, तो साइज में आपको वेरिएशन मिलती है। हो सकता है कि दोनों सेम साइज के हों, सेम हो साइज, ये भी हो सकता है कि दोनों की साइज डिफरेंट है। दैट मीन कि आपको कंडीशन कैसे मिल सकती है कि ये दो गैमेट बने बिल्कुल एक जैसे, ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक इस तरह से हो और ये कंडीशन मिले आपको। तो इनकी साइज या तो सेम हो सकती है या डिफरेंट, ये दिख रही है जैसे आपको। और इनके अगर फिजियोलॉजिकल की बात करें तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, ये मिलती है कंडीशन आपको यहाँ पर। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्टोकार्पस के अंदर क्या होता है। एक्टोकार्पस के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइसोटाइप का मिल रहा है, ठीक है। होगा क्या कि जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनी, इस पे जो स्पोर बना, जूस स्पोर, उसके जर्मिनेट होने से जो थैलस बना, जर्मिनेशन से जो थैलस बना वो कैसा था? हैप्लॉइड। अब इस हैप्लॉइड थैलस पर आगे जाकर गैमेटेंजिया बनेंगी। ये गैमेटेंजिया या तो
प्लस वाली एंड माइनस वाली, यानी कि दोनों ही गैमेट एक ही के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, बोथ आर प्रेजेंट इन वन गैमेट एंजिया, या दोनों बोथ आर प्रेजेंट इन डिफरेंट गैमेट एंजिया। डिफरेंट की अगर बात करें, ये वाली कंडीशन की अगर बात करें, तो इस चीज को मैं आपको यहां बता रही हूं कि जिसपे नेगेटिव वाले बनते हैं ये वाली स्ट्रैंड, वो कैसे होंगे, साइज में स्मॉल होंगे, कुछ इतने इतने से, तो ये बनेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर। और जिनके पास पॉजिटिव वाले बनेंगे, ये थोड़े साइज में, इनकी साइज बड़ी होगी और इनकी साइज छोटी होगी, तो ये बनेंगे मेगा, या मेगा की जगह आप मैक्रो ले लीजिए, मैक्रो स्पोरेंजिया के अंदर। एंड ये दोनों गैमेट हैप्लोइड होंगे, क्योंकि हैप्लोइड थैलस के अंदर बने थे, कोई मियोसिस नहीं होगा इनके अंदर, डिवीजन माइटोसिस ही होगा। अब यहां पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि बनते तो उस थैलस पे हैं जो कि यूनिलोक्युलर स्पोर के जर्मिनेशन से बना है, लेकिन जब इनके अंदर स्पोरेंजिया बनती है, चाहे मेगा स्पोरेंजिया हो चाहे माइक्रो स्पोरेंजिया, यानी कि जो स्पोरेंजिया नहीं, से गैमेट एंजिया लिखिएगा, ये यहां पर गैमेट एंजिया वर्ड आएगा क्योंकि गैमेट्स बन रहे हैं। गैमेट एंजिया, कि बन तो ये यूनिलोक्युलर थैलस की स्पोर जर्मिनेट हुआ उस पे बने, लेकिन जो गैमेट एंजिया बनेगी, चाहे मेगा हो चाहे माइक्रो हो, जो भी गैमेट एंजिया बनेगी वो किस तरह की होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसके स्ट्रक्चर में आपको प्लूरी लॉक्युलर स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि वो गैमेट एंजिया को हम कहेंगे प्लूरी लॉक्युलर गैमेट एंजिया, कि हर एक गैमेट का खुद का एक चैम्बर होगा, इस तरह की स्पोरेंजिया मिलेगी। तो पॉइंट याद रखिएगा कि बनती यूनिलोक्युलर थैलस पे है, लेकिन स्पोरेंजिया कैसी होती है, प्लूरी लॉक्युलर टाइप की। यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आया होगा। एंड इनके अंदर स्पोर कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड, एंड देन इनके फ्यूजन से जो गैमेट बनता है वो कैसा होता है, जो जायगोट बनता है वो कैसा हो जाएगा, अब डिप्लॉइड। और इनके अंदर, क्योंकि जायगोट के लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, जो फ्यूजन होगा वो एक्सटर्नल होगा, बाहर, दोनों के बॉडी से बाहर, यानी कि थैलस से बाहर की तरफ वाटर वगैरह में होगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट देखते हैं, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कह लीजिए या फिर गैमेट एंजिया का डेवलपमेंट देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेट एंजिया की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको कैसे मिलता है कि देख लो, ये हो गई एक ब्रांच एक्टोकार्पस की, जिसकी कोई भी लेटरल साइड की सेल क्या करेगी, अपनी साइज को इंक्रीज करेगी। जैसा प्लूरिलोक्युलर के लिए पढ़ रहे थे, सेम वैसा ही होगा गैमेट एंजिया के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो ये स्ट्रैंड की हो चाहे वो नेगेटिव स्ट्रैंड की हो। सबसे पहले साइज इंक्रीज करेगी और कुछ इस तरह से बन जाएगी। फिर इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। पहले एक होगा, उससे दो सेल्स बनेंगी, फिर दो, तीन, इस तरह से ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ये सेल्स यहाँ पे बन जाएंगी। अब इनके अंदर
ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे इनिशियली, जो कि 2 से 4 होंगे। इसके बाद इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे जो भी 2 से 4 होंगे। तो इस तरह से फिर इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे और ये अपनी साइज भी साथ साथ इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। अब थर्ड पॉइंट के बाद में जो स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसा आएगा। बहुत सारे सेल्स बन गई, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, वही 20 to 40 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया जो कि एक एक न्यूक्लियस और थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म और आई स्पॉट कंटेन करती हैं एंड क्रोमेटोफोर्स। क्या क्या कंटेन करती हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कितना, एक, कुछ क्रोमेटोफोर्स एंड आई स्पॉट, ये सारा कवर करती हैं, एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला गैमेट्स के अंदर बनेगा। चलिए यहाँ तक हुआ, ये तो अभी हम सेल्स की बात करें कि ये सेल्स कवर करती हैं। अब ये सेल्स के अंदर क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, फोर्थ पॉइंट, कायांतरण कैसे होगा? इनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा। किसके अंदर? गैमेट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं जो गैमेट्स बना रही हूँ वो कुछ इस तरह से होंगे, किडनी शेप के, और दो दो फ्लैजिला को कंटेन करते होंगे, एक टेंसल और एक विपलेस टाइप का। तो यहाँ पर गैमेट्स बन जाएंगे, एक टेंसल होगा और एक विपलेस। आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपकी ये है कि जब मेटामॉर्फोसिस होगा और उससे जो फिफ्थ पॉइंट बनेगा, क्या होगा मेटामॉर्फोसिस से? गैमेट्स डेवलप होंगे। अब ये जो गैमेट्स बने हैं हर एक फ्लैजिला को कंटेन करेगा, याद रखिएगा, सिर्फ राउंड राउंड स्ट्रक्चर नहीं बनाइएगा। ये जो गैमेट्स बने हैं ये गैमेट्स हो सकता है आपको यहां पर प्लस एंड माइनस दोनों तरह के गैमेट्स एक ही में मिल जाएं, एक ही में हम सेम स्पोरेंजिया को कंटेन कर रहे हैं, या हो सकता है कि प्लस के लिए अलग बना जिससे मान लो दूसरे थैलस के ऊपर या दूसरी ब्रांच के ऊपर मैक्रोगैमेटेंजिया कहेंगे इसे, क्योंकि इनकी साइज इंक्रीज होती है। मैक्रोगैमेटेंजिया कहाँ बनी हो? ऑन ऑन अनोदर ब्रांच या थैलस, एंड इसी तरह से नेगेटिव के लिए माइक्रोगैमेटेंजिया, सेम चीज या अलग ब्रांच पे बनेगी। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, क्या ध्यान रखना है कि मैक्रोगैमेटेंजिया जब बनी तो उसके अंदर सारे ही, ऑल गैमेट्स आर मैक्रो। यहाँ पर अगर ये मान लेते हैं कि इसके अंदर मैक्रो बने हैं, यानी कि गैमेट्स कैसे हैं, प्लस वाले हैं, तो सारे ही गैमेट्स पॉजिटिव होंगे। और मान लेते हैं कि ये ऐसी कैसी दूसरी नेगेटिव वाली बनी, यहाँ पे मान लेते हैं दूसरी ब्रांच पे नेगेटिव वाली बनी, तो इसके अंदर सारे ही गैमेट्स नेगेटिव वाले होंगे, या दोनों एक के अंदर प्रेजेंट हैं तो आधे में पॉजिटिव एंड आधे में नेगेटिव, या कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, इस तरह से मिक्सचर होगा। क्योंकि सिर्फ ये वाले फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो करेंगे,
कारिकी में, प्लस एंड माइनस 10 में, लेकिन ये वाले इनकी साइज में भी डिफरेंस हो कर रहे हैं, इसलिए इनको मैक्रो एंड माइक्रो गैमेटेंजिया कहा। जब ये गैमेट्स बन जाएंगे तो हर एक मैच्योर गैमेट के पास क्या क्या होगा, खुद किडनी शेप का होगा, एक न्यूक्लियस कंटेन करेगा, क्रोमेटोफोर, आई स्पॉट, फ्लैजिला, जिनका नंबर कितना है 2, एक विप्लेस और एक टेंसल। एक की साइज छोटी होगी और एक की साइज बड़ी होगी। इसके अलावा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, ये सारा ही गैमेट कंटेन करेगा। तो इस तरह से एक मैच्योर गैमेटेंजिया बन जाएगी। ये बन गई एक मैच्योर गैमेटेंजिया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर गैमेटेंजिया का से इनका लिब्रेशन, यानी कि जो गैमेट्स बने हैं ये कैसे लिब्रेट होंगे इस गैमेटेंजिया से, एंड कैसे इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एंड कैसे जर्मिनेट होंगे, ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए।